वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, इस वीडियो में हम एमए हिस्ट्री का लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में बताएंगे। ये जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है और इस बार भी आप ये किस टाइप से कट ऑफ हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के लेवल पर। अगर पेपर टफ होगा, हालांकि इसमें ये होता ना कि 40 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू में तो लोगों को आइडिया लग जाता है, बट इनके अगर थ्योरी पार्ट की बात करें तो वो थ्योरी वाला जो क्वेश्चन वो शेयर नहीं किया जाता है जामिया के द्वारा। तो ऐसे में ये कि थ्योरी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑनेस्टली अगर पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ उनके क्वेश्चन का लेवल क्या है। और ऐसा नहीं सिर्फ हिस्ट्री का, मतलब पीजी कोर्स में जितने भी एंट्रेंस है उन सब में ये सीन है। तो अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करें तो ये रहा था लास्ट ईयर का कट ऑफ, आप देख सकते हैं 60 जनरल का, मुस्लिम का। और इस साल भी पेपर का लेवल अगर वही है, ऑब्वियसली इनका एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, तो इस साल भी कट ऑफ जो होंगे वो ऑलमोस्ट इसी के बियॉन्ड में रहेंगे, बल्कि 1-2 मार्क्स का अप्स एंड डाउन दिखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा पार्शियल मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। नंबर ये, नंबर टू आप देख सकते हैं इस तरीके से कि जैसे 60 जनरल का है, मुस्लिम का 53 है, तो इस इन बिटवीन में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो पूरी चांस है, क्योंकि आपको पता ही कि 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू था। तो अगर आप इसमें 30 आउट ऑफ 30 के आसपास अगर स्कोर करते हैं और अगर थ्योरी से आप 20 या 25 के आसपास स्कोर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इसमें कट ऑफ जो जा रहा है वेरी कर रहे हैं 50 से लेकर 60 के बीच में, तो इसका मतलब है कि हालांकि ये पेपर थोड़ा डिमांडेबल होता है, दैट्स वाई इनके कट ऑफ भी उसी हिसाब से ही रहते हैं। बाकी कुछ ऐसे पेपर इनके कट ऑफ डाउन भी जाते हैं ये। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी भी कोर्सेज पे आपको कट ऑफ वाली वीडियो चाहिए लाइक जिस भी कोर्स को लेकर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ऑब्वियसली मतलब कमेंट बेसी वीडियो होते हैं, बट अगेन आप रिमाइंड कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ऑब्वियसली उस पर वीडियो आ जाएंगे। और आने वाले जो भी अपडेट आता है, खासकर अगर आप इसके रिजल्ट की बात करें तो ठीक, आपके एंड जुलाई के आसपास रिजल्ट आ सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखें। थैंक यू।